हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मराठी एंड हिंदी। लास्ट टाइम वी लर्न द ड अप टू ड, एक मिनट, छ ज झ त्र ट ठ ड, ये वीडियो हमने बनाया था। नाउ वी मेक वी लर्न दैट सी अ ट, सॉरी ढ, ढ कैसे निकालना है देखो, सेम लाइक ट, स्मॉल छोटी सी स्मॉल लाइन ट जैसे करना है, फिर इसको अंदर सर्कल करना है। सी अ हाउ टू, स्मॉल लाइन हाफ सर्कल ट हो गया ये सी के जैसा, और उसको सिर्फ ऐसे ई जैसा गोल करना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन हो गया ढ। ढ ढक्कन क्या है, ढ ढक्कन लीड जिसको बोलते हैं ना, ढक्कन, मेंढक, ढाल, ढोलक, सेम उसी तरह यहाँ पे देखो ढ सेम निकालना है, सेम कैसे, स्मॉल लाइन सी जैसा, फिर इसको ऐसे गार्ड जैसा ढ, और ऊपर स्मॉल लाइन, ठीक है, सॉरी स्लीपिंग लाइन। ढ यहाँ पे क्या लिखा है, ढक, ढ कड़, ढकल एंड गाढ़ो। सो हिंदी में देखो ये ढ और ये मराठी में ढ, हिंदी में ढक्कन है और इधर ढग लिखा है, पर सेम ही है ढ। आफ्टर दैट सी न, काय करायचं आता आपल्याला, न न तो एकदम इजी है, यू और स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, यू स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, न बाण हेच्यामध्ये हा न न, हा ये जो वर्ड है ना न, ये कम यूज होता है, मतलब इतना ज्यादा ये वर्ड यूज नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पे बाण, दोनों जगह बाण दिखा है और इधर भी बाण दिखा है, ये भी कैसे लिखा, यू स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, समझ में आया, समझ में आया, हाउ हाउ टू राइट दिस। नाउ सी यहाँ पे खन, मतलब ड्रॉअरला खन बोलता, रावण, और ये पनती, ठीक है, तो आपको ये लिखने हैं वर्ड्स। उसके बाद न के बाद त लिखना है, त तभी देखो सेम है, तो ये देखो त, ये देखो कैसे निकालना, छोटी सी स्मॉल लाइन, फिर हाफ सर्कल जैसा अंदर लेना, फिर स्लीपिंग लाइन, ये देखो छोटी सी स्लीपिंग लाइन, तो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, तो ठीक है, त तलवार सबको पता होगा, त तलवार, त तबला, और त तरबूज, ये ऐसा करना है, तरबूज। यहाँ पे देखो सेम, छोटी सी स्मॉल लाइन स्टैंड, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, त त तबला, त तलवार सेम, तवा तलाव। उसके बाद आपको देखना है थ, थ थ कैसे निकालना है, देखो स्मॉल सर्कल जैसे करना है, फिर उसको ऐसे ई जैसे, मतलब वन मराठी लाणी है ये सब, ये देखो स्मॉल सर्कल ऐसे, थ स्मॉल सर्कल, फिर ऐसे घुमा के ऐसे थ, र थ, ये देखो ये थवा कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, स्मॉल, ये देखो ऐसे स्मॉल थ अस अस, ठीक है, थ र थ, थ थंबा थानेदार थकान, और यहाँ पे देखो पथक रथ और थड़गे, ये लास्ट वर्ड है आज का। द, द कैसे निकालना है देखो, द दरवाजा, इधर भी द दरवाजा, ठीक है, द कैसे निकालना है, छोटी सी स्मॉल लाइन, ये हाफ सर्कल और उसको गांठ निकालना, छोटी सी स्मॉल लाइन, ये हाफ सर्कल और फिर इसको गांठ, द, ठीक है, ये देखो द, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकाल दो, द दरवाज़ा, द दवा, दवा तो सबको पता है,
दरबान, बंदर। यहाँ पे भी देखो सेम द, दरवाजा, छोटी सी स्मॉल लाइन ऐसे द, इसको द बोलते, छोटी सी स्मॉल लाइन, हाँ ट के जैसे, फिर इसको ऐसे द। वंदन, दगड़, पदक, ठीक है, ये आपको निकालना है। आज आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स, ये देखो ढ, ढ, मेंढक, ढाल, ढोलक, न, ये देखो न न न, त, तरवाजू, तराजू, तलवार, तबला, तरबूज। उसी तरह हिंदी में देखा आपने, अब मराठी में देखो आज आपने क्या सीखा, ढ, ढक, ढ कैसे निकालना है, ढ, कड़, ढकल, गाढ़ो, न, खन, रावण, पंती, त, तबला, त, तलवार, तवा, तलाम, थ, पथक, रथ आणि खड़, थड़गे। आज आपको और द, दरवाजा, व, दन, दकड़, पदक। तो आज आपको ये वर्ड्स इतने ही लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं देखो, ढ, ढ, एक ढ, दो बानो का न, तीन तबला, थ, थवा, चार, और ये द, दरवाजा, पांच। सो फाइव पेज यू हैव टू राइट इन मराठी बुक और सेम यू हैव टू राइट इन हिंदी बुक। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करके, इतना ही बचा, ये पूरा बुक है आपको, ये पोर्शन कंप्लीट करके, मराठी हिंदी ही बाकी है, अदरवाइज माय पोर्शन इज कंप्लीट। सो मराठी हिंदी हम लोग पेपर बनाने वाले हैं नेक्स्ट, ये अभी ये जो मंथ है इसमें आपकी टेस्ट रहेगी। सो द, आज एक एक पेज लिखो, थ द तक हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको आगे और कल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इंग्लिश का। सो आज ये वीक में ये पोर्शन, दरवाजा तक हुआ है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, एटीन वर्ड है, एटीन, नाइनटीन, ये नाइनटीन वर्ड्स है, दो तीन दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मराठी हिंदी का ये बाकी है, ये फटाफट करते हैं, आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, हिंदी सॉरी मैथ्स कंप्लीट है, तो वो आप लोग लर्न करना शुरू कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अभी जो आएगा ना ये वीक, इसमें क्या है आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ये महीने आपका 20 या 15 के बाद से ही। तो ये फटाफट मैं हिंदी मराठी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको एक पेपर लिख के आपको है ना, एक एज अ पेपर पैटर्न कि आपका एग्ज़ाम में ऐसे पेपर आएंगे, तो मैं वो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर आप वैसे ही घर पे रोज़ प्रैक्टिस करो तो आपका पेपर इजी जाएगा आपको, अदरवाइज आपको पेपर नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए। सो मैं क्या बोल रही हूँ, आई रिपीट, आपको ये जो मराठी हिंदी का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है हमारा 1920 वर्ड जो जितने भी है, ये दो तीन दिन में कंप्लीट करके मैं आपको नेक्स्ट वीक से क्या दूंगी, आपको पेपर पैटर्न दूंगी। पेपर पैटर्न इट मीन्स व्हाट, को इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो आप, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, जैसा कि मराठी में अंडरलाइन द वर्ड, या अंडरलाइन द वर्ड करके हम लोग अंडरलाइन करते हैं नीचे कौन से वर्ड, और सर्कल द वर्ड, दिलेल्या अक्षरांना गोल करा, दिलेल्या अक्षरांखाली रेघा ओढा, दिलेले अक्षर ओळखा, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, तो आप उसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करना है, नहीं तो बोलोगे टीचर ने बताया ही नहीं, एग्ज़ाम कैसे है पता ही नहीं, ऐसे प्लीज़ मत बोलो। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ
कि आप अभी मराठी हिंदी फटाफट कंप्लीट करो। आज मैंने 5 वर्ड दिए मराठी के और 5 वर्ड हिंदी में, दोनों एक एक पेज लिखो, दोनों इसमें एक पेज हिंदी में लिखो एक पेज मराठी में लिखो, ठीक है? दो दो पेज मत लिखो, एक पेज हिंदी में लिखो एक पेज मराठी में लिखो और मुझे सेंड करो, थैंक यू। और मैं आपको नेक्स्ट वीक एग्जाम का पोर्शन दूंगी, तो आपका पता चलेगा किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।